hi this is an explosive hello everyone today we are going to study the block diagram of am transmitter fm transmitter am receiver and the fm receiver okay इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन द बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लॉक डायग्राम तो उस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि कैसे अगर हम अपने फ्रेंड से बात करना चाहते हैं तो हमारा मैसेज जो है वो मुझसे स्टार्ट होकर मेरे फ्रेंड तक किस तरह से पहुंचता है और पहुंचने में कौन कौन सा कॉम्युनिकेशन मीडियम यूज़ होता है कैसे कैसे सिग्नल जब वीक होता है तो उसको फिर से एम्प्लीफाई किया जाता है और फिर एम्पलीफाई करने के बाद उसको मॉडुलेट किया जाता है मॉडुलेट करने के बाद उसको क्या किया जाता है ट्रांसमिट किया जाता है जब हम कोई भी चीज़ बोलते हैं तो वॉइस जैसे हम लोग बोल रहे हैं तो क्या होता है वो वॉइस जो हमारा जो हमारा मैसेज है एक्चुअली में वो रिसीवर तक पहुंचता है तो कैसे पहुंचता है तो सबसे पहले क्या होता है ट्रांसमीटर के थ्रू वो ट्रांसमीट होता है और ट्रांसमीटर से निकलने के बाद वो किस इंड से ट्रांसमीट होता है तो एंटीना के थ्रू तो हम लोगों ने देखा था कि एक बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम मॉडल होने के लिए क्या चीज़ें क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट था इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था बेसिक कॉम्युनिकेशन सिस्टम का जो ब्लॉक डायग्राम देखा था उसमें देखा था ये इतना सेक्शन जो है ये पूरा किसके अंदर आ जाएगा ये कहलाएगा ट्रांसमीटर सेक्शन बेसिकली ये है सिर्फ ट्रांसमीटर का ब्लॉक लेकिन ये क्या है कंप्लीट रूप से हम कह सकते हैं ये क्या है आपका इनपुट साइड है और ये क्या है आपका रिसीवर साइड है तो ये जो इनपुट साइड दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये ट्रांसमीटर साइड है ठीक है जहाँ पे सोर्स जो हम लोग खुद हैं और ट्रांसड्यूसर जो हमारे वॉइस सिग्नल को वहाँ पे ने बताया था कि जो आपके वॉइस सिग्नल जो हम लोग जनरल बात कर रहे हैं वॉइस को वो किस में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तो यहां तक हम लोगों को जो सिग्नल मिलता है वो होता है इनपुट सिग्नल ओके यानी इन्फॉर्मेशन जो हम लोग ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो अब ट्रांसमीटर का, का काम ये होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिसीव हो गया है उसको कहाँ ट्रांसमिट करें वो रिसीवर की तरफ भेजे तो रिसीवर की तरफ ये कब कैसे भेजेगा तो इस ट्रांसमीटर के ब्लॉक में क्या क्या मेन पार्ट होता है कि ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर पाता है रिसीवर को ये आज हम लोग देखेंगे तो हम लोग इस ब्लॉक का आज एक्सप्लानशन देखेंगे इस ब्लॉक के अंदर क्या क्या डिफरेंट ब्लॉक होता है यानी सब ब्लॉक कौन कौन होता है और कैसे ये ट्रांसमीटर वर्क करता है सिमिलरली हम लोग फिर देखेंगे रिसीवर के रिसीवर में कौन कौन सा ब्लॉक होता है और ये कैसे वर्क करता है यानी सिग्नल को ट्रांसमिट करता है ट्रांसमीटर तो रिसीवर रिसीव receive किस किस ब्लॉक से होते हुए मतलब रिसीवर में जो सिग्नल आता है वो कौन कौन से ब्लॉक से पास होते हुए हमारे आउटपुट तक पहुंचता है ओके okay. तो ये दोनों आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसी में हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे जिसको कहेंगे सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर के बारे में रिसीवर जब सेक्शन डिस्कस करते रहेंगे तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर तो हम लोग देखते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक तो आज का टॉपिक है हमारा सबसे पहला ट्रांसमीटर देन रिसीवर ओके तो ट्रांसमीटर का अगर हम लोग ब्लॉक डायग्राम की बात करेंगे ट्रांसमीटर होता कैसा है तो ट्रांसमीटर में सबसे पहले क्या होता है जब आपका सिग्नल यानी ऑडियो सिग्नल जो आपके पास पहुंच गया ये कैसा होगा ऑडियो सिग्नल ये होगा आपका इलेक्ट्रिकल फॉर्म में क्योंकि इससे पहले क्या लगा रहा होता है इससे पहले लगा होता है ट्रांसड्यूसर जो आपके वॉइस सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब हमारे पास मतलब इन ट्रांसमीटर के ब्लॉक में होता है ये पूरा क्या है कंप्लीट रूप से ट्रांसमीटर का एक ब्लॉक है ओके okay. ट्रांसमीटर के ब्लॉक को हम लोगों ने क्या किया है डिवाइड करके देखा है अलग अलग सब ब्लॉक में स्टडी कर रहे हैं आज कि ट्रांसमीटर के अंदर क्या क्या होता है तो सबसे पहले जब आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पे पहुंचता है तो जो हम लोग बोलते हैं वो वॉइस सिग्नल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है वो काफ़ी वीक होता है ओके okay, उसका स्ट्रेंथ इतना नहीं होता है कि उसको अगर हम लोग डायरेक्ट ट्रांसमिट कर देंगे तो वो रिसीवर तक पहुंच जाए तो पहले हम लोग क्या करते हैं जो हमारा सिग्नल है जिसको एक्चुअली हम लोगों को ट्रांसमिट करना है उसको हम लोग प्री एम्पलीफाई करते हैं प्री एम्पलीफाई करते हैं तो प्री एम्पलीफाई करने का मतलब क्या हो गया कि जो सिग्नल का लेवल होता है वो लो लेवल मतलब सिग्नल का स्ट्रेंथ जो होता है वो कम होता है यहाँ पे इनपुट में क्या होता है जो हम लोग बोलते हैं हम लोग ज़्यादा तेज़ तो बोल नहीं सकते हैं तो हम लोगों का जो इनपुट का सिग्नल का जो स्ट्रेंथ होता है वो वीक होता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं प्री एम्पलीफायर के थ्रू एम्पलीफाई करते हैं थोड़ा सा उसको क्या कहते हैं स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं है उस सिग्नल को और जब वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो जाता है इतना स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो क्या हो जाए आपका मॉडुलेटर सेक्शन में पहुंचने के बाद क्या हो एम्पलीफाई हो सके प्रॉपर्ली तो ये क्या कहता है प्री एम्पलीफायर का, का काम है कि जो भी वीक सिग्नल है उसको क्या है जो हमारा मतलब कोई आदमी तेज बोलता है कोई आदमी धीरे बोलता है तो अगर किसी भी तरह का ऑडियो सिग्नल मिल रहा है ठीक है उसको पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाएगा यहाँ पे इनपुट ट्रांसड्यूसर के थ्रू और उसके बाद जब ये प्री एम्पलीफायर में पहुंचेगा तो प्री एम्पलीफायर का काम ये होता है कि अगर वीक सिग्नल है यानी कोई मतलब स्लो बोल रहे हैं ठीक है वीक सिग्नल आ रहा है तो उसको क्या करेगा एम्पलीफाई कर देगा एम्पलीफाई करने के बाद एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा ताकि यहां पे जो सिग्नल आए उसका स्ट्रेंथ ठीक ठाक हो ओके okay? अब ये सिग्नल जो यहां पे पहुंचता है उसका नाम होता है मॉडुलेटिंग सिग्नल ओके okay? इस सिग्नल का नाम क्या होता है मॉडुलेटिंग सिग्नल यहां हम लोगों को जो सिग्नल रिसीव हो रहा है उस सिग्नल का नाम होता है मॉडुलेटिंग सिग्नल ओके और ये क्या है नीचे में क्या लगा हुआ है नीचे में आर एफ ऑसिलेटर ये आर एफ ऑसिलेटर काम क्या होता है ये एक ऑसिलेटर है जो कैरियर फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है ओके okay? यानी ये हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव को जनरेट करता है इसका काम क्या है हाई फ्रीक्वेंसी ओके एक सेकेंड हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव को ये क्या करेगा जनरेट करेगा तो ये हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव क्यों जनरेट करता है ताकि आपका जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है हाई फ्रीक्वेंसी शॉर्टकट लिख रहा हूं ठीक है कैरियर वेव कैरियर वेव को जनरेट करेगा ये कैरियर वेव का जो फ्रीक्वेंसी मान लीजिए एफ है कैरियर वेव का जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ है और ये क्या है आपका ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है जो मॉड्यटिंग सिग्नल यहां पे आया उसका नाम है एफ ये एम मॉडुलेटर क्या करता है इस एफ को एफ के ऊपर लोड कर देता है ए एमडुलेटर का काम क्या है कि जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है यानी जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको कैरियर वेव के सिग्नल पे लोड कर देता है हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव सिग्नल ये होता है इसके ऊपर लोड करता है जैसे मैंने पिछले क्लास में एग्जाम्पल दे बताया था कि अगर आप जा रहे हैं कहीं तो आपको अगर एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया जाए जैसे कि हॉर्स हॉर्स के ऊपर आपको बैठा दिया जाए उसके बाद भेजा जाए तो आपका स्पीड क्या हो जाए ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और आप लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर पाएंगे और अगर आपको डायरेक्ट पैदल चल के जाने के लिए, के लिए, के लिए कहा जाएगा जा जा जा, तो क्या हो जाएगा आप तुरंत थक जाएंगे तो वैसे ही सेम समझिए कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या है एक हॉर्स की तरह है और ये एफ क्या है आपका ओरिजिनल सिग्नल है जिसको आपको ट्रांसमिट करना है तो ये ए एम मॉडुलेटर क्या करता है इन दोनों को मिक्सअप करता है यानी इस मॉडुलेटिंग फ्रीक्वेंसी को इस कैरियर सिग्नल के ऊपर लोड करता है ओके टेक्निकल वर्ड में क्या कहते हैं इस मॉडुलेटिंग फ्रीक्वेंसी को किस पे लोड करता है कैरियर वेव हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव सिग्नल पे लोड किया जाता है और लोड करने के बाद क्या हो जाता है आगे ट्रांसमिट किया जाता है तो जो यहां से जो सिग्नल निकल के आता है यानी इन दोनों के मिक्स होने के बाद जो सिग्नल निकल के आता है यानी एफ प्लस एफ ठीक है ये जो सिग्नल निकल के आता है ये सिग्नल कहलाता है मॉडुलेटेड सिग्नल इसका नाम होता है मॉडुलेटेड सिग्नल ओके अब ये मॉडुलेटेड सिग्नल क्या होता है इसका पावर स्ट्रेंथ जो होता है यानी पावर लेवल जो होता है वो ज्यादा हाई नहीं होता यानी पावर क्या होता है इसका स्ट्रेंथ वीक होता है तो इसको क्या किया जाता है पावर एम्प्लीफायर के थ्रू पास करने के बाद इसको क्या किया जाता है थोड़ा सा स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया जाता है इसके पावर लेवल को इंक्रीज कर दिया जाता है यहां पे क्या होता है पावर लेवल को इंक्रीज कर दिया जाता है पावर लेवल इंक्रीज होता है पावर एम्पलीफायर से और देन ये एंटीना के पास पहुंचता है जब ये एंटीना के पास पहुंचता है तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल इलेक्ट्रो वेव में कन्वर्ट हुआ था इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव में अभी क्या था इलेक्ट्रिकल सिग्नल था ठीक है यहाँ पे क्या था इलेक्ट्रिकल सिग्नल था ये और जैसे ही एंटीना के पास जाता है तो इसको क्या करना होता है कन्वर्ट कर देना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ताकि ये वायरलेस होकर कम्युनिकेट हो पाए यानी कि हवा में हमको कम्युनिकेट करना है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा तो इसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होगा ट्रांसमिट होने के लिए अगर यहाँ पे वायर नहीं है मेरा तो कैसे ट्रांसमिट होगा नहीं ट्रांसमिट हो सकता है तो हमको क्या अगर वायरलेस कम्युनिकेशन करना होता है तो एंटीना की जरूरत पड़ती है अगर हम लोग को वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं करना पड़े तो क्या होगा ये डायरेक्ट हम लोग वायर के थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डायरेक्ट लेकिन अगर वायरलेस है तो हम लोगों को एंटीना की जरूरत पड़ेगी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करेगा उसके बाद आगे ट्रांसमिट करेगा तो आई होप आपको ये एम ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम समझ में आ गया होगा कि एम ट्रांसमीटर का मतलब एक्चुअली में जो ट्रांसमीटर होता है बेसिकली किसी भी बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम में वो कैसे वर्क करता है यानी जब उसको एक इनपुट सिग्नल मिल जाता है यानी सिग्नल मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल यहाँ पे क्या होता है जो ऑडियो सिग्नल आ रहा है वो क्या है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में है और इससे पहले क्या था वॉइस सिग्नल के फॉर्म में था वॉइस सिग्नल क्या था उस ट्रांसड्यूसर के थ्रू कन्वर्ट होकर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिला है. तो ये सिग्नल मिलने के बाद एम ट्रांसमीटर का ब्लॉक क्या क्या करता है और कैसे कैसे इस सिग्नल को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भेजता है ठीक है आगे यानी ट्रांसमीटर से कैसे ये सिग्नल ट्रांसमिट होकर रिसीवर तक जाता है तो ये ट्रांसमीटर किस तरह से फंक्शन करता है इसको मैंने मैंने पे बेसिकली समझा दिया दिया और आगे मैंने इसका यहां लिख दिया, बेसिक ठीक है सिंपल एक्सप्लान वही है जो मैंने आपको समझाया आप देख सकते हैं यहां पे कोई भी डिफरेंस नहीं है लिखा हुआ सिंपल क्या है कि एम ट्रांसमीटर टेक्स द ऑडियो सिग्नल पहले क्या होता है एम ट्रांसमीटर ऑडियो सिग्नल को लेता है एज एन इनपुट यानी इनपुट का फॉर्म लेता है एंड डिलीवर्स एम्पीट्यूड मॉडुलेटर वेव टू द एंटीना एज एन आउटपुट टू बी ट सिंपल क्या कह रहा है कि जो भी एम ट्रांसमीटर का काम क्या होता है कि ये ऑडियो सिग्नल को रिसीव करता है जिसको हम लोगों को भेजना होता है ऑडियो सिग्नल या फिर जो भी सिग्नल इनपुट सिग्नल एज ए इनपुट रिसीव करता है रिसीव करने के बाद क्या करता है उसको कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ यानी हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के साथ लोड करता है और लोड करने के बाद एम्पलीट्यूड मॉड्यटेड वेव ये बोला हम लोगों ने कि एम वेव यानी कि क्या होता है जब कैरियर फ्रीक्वेंसी आपका मॉडुलेटिंग फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ मिक्स हो जाता है तो जो नया वेव निकल के आता है आउटपुट वो क्या होता है मॉडुलेटेड वेव होता बोला उस मॉडुलेटेड वेव को कहां तक भेजता है एंटीना पे भेजता है और एंटीना फिर ट्रांसमिट हो जाता है ये चीज यहाँ लिखा हुआ है अब आगे देखिए आर एफ ऑसिलेटर जो लगा हुआ उसका काम क्या आर एफ ऑसिलेटर का काम बताया पहले मैंने ये क्या करता है हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव को जनरेट करता है यही लिखा हुआ ये जनरेट करता है हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल को ओके okay, उसके बाद क्या होता है दोनों मॉडुलेटिंग सिग्नल और कैरियर सिग्नल दोनों मिक्स होने के बाद क्या होता है एम मॉडुलेटर से होते हुए निकल जाता है कहाँ कहाँ जाता है ये एंटीना की तरफ जाता है और ये कौन सा सिग्नल हो जाता है इसको कहते हैं मॉडुलेटेड सिग्नल जब ये दोनों मिक्स हो जाता है मॉडुलेटिंग और कैरियर सिग्नल मिक्स हो जाता है तो इसको कहते हैं मॉडुलेटेड सिग्नल दुण। और ये ट्रांसमिट हो जाता है कहाँ एंटीना कहा? की तरफ जाता है आगे की तरफ और एंटीना से फिर क्या होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है एम वेव में एम वेव में यानी कि क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद ट्रांसमिट हो जाता है तो पावर एम्पलीफायर का क्या काम होगा पावर एम्पलीफायर इज यूज टू इंक्रीज द पावर लेवल ऑफ एम वेव यानी जो एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड वेव हम लोगों को मिला है जिसको हम लोगों को ट्रांसमिट करना है उसका पावर लेवल क्या होता है कम होता है ठीक है तो हम क्या करते हैं पावर एम्पलीफायर के थ्रू तो उसको क्या करते हैं पावर लेवल को इंक्रीज कर देते हैं और उसके बाद ट्रांसमिट कर देते हैं ठीक है तो इसको मैंने यहाँ पे बेसिकली आपके लिए एक्सप्लेन कर रखा है ताकि आप जब भी देखें मतलब इस ब्लॉक को जब भी देखें तो आपको ये समझ में आ जाए कि ये कैसे ये ब्लॉक वर्क कर रहा है ओके आगे चलते हैं सिमिलरली बात करें अगर एफ का तो एम ट्रांसमीटर हम लोग देख लिया एफ ट्रांसमीटर की अगर बात करें तो एम और एफ में क्या फर्क है तो आपको कम्युनिकेशन सिस्टम जब आप पढ़ेंगे डिटेल में तो वहां बताया जाएगा कि एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन में क्या फर्क है ओके okay. अभी मैं ज्यादा एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो फिर वही बात है जो हम लोगों को बेसिक पढ़ना है सिंपली समझिए दोनों क्या है एक एम सिग्नल है, होता है और एक होता है एफ एम एम्पलीट्यूड को क्या 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 एम्पलीफाई किया था, था. देखिए सिंपली मान लीजिए आपका एक सिग्नल है ओके okay? एम क्या करता है इसके एम्पलीट्यूड को मॉडुलेट कर देता है मॉडुलेट करने का मतलब क्या है इसको हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल पे लोड करता है उसके बाद ट्रांसमिट करता है तो ये आपका सपोज हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल है इसके ऊपर क्या हुआ ये आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लोड हो गया ठीक है अपर ये कहता है हाई फ्रीक्वेंसी अपर कैरियर और ये होता है ये लोअर साइडमेंट ये अपर साइडमेंट होता है और ये लोअर साइडमेंट होता है ओके इस फॉर्म में होकर ये ट्रांसमिट हो जाता है एम में क्या होता है एम्पलीट्यूड में मॉडुलेशन होता है जबकि एफ एम में क्या होता है फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होता है यानी मॉड्यटिंग फ्रीक्वेंसी मान लीजिए आपका एफ एम मॉड्यटिंग फ्रिक्वेंसी जो है वो आपका है सपोज फिफ्टी किलोहट्स ओके तो इसको बढ़ा के कितना कर दिया जाता है इसको बढ़ा के यानी कि एक कैरियर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल मान लीजिए आपका है फाइव मेगा हट्स ठीक है इन दोनों को मिक्स किया जाएगा तो मिक्स किया तो ऑब्वियसली इसका जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा यानी एफ एम प्लस एफ सी एफ एम प्लस एफ सी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा फाइव जीरो फाइव जीरो किलोहट का है या मेगा हट्स में कहेंगे तो क्या हो जाएगा पाँच हजार पचास मेगा के फॉर्म में चला चलाया कन्वर्ट होकर तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं इसका कैरियर फ्रीकवेंसी क्या हो जाएगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा यानी आपका सिग्नल अगर इस तरह का है यानी जिसका फ्रीक्वेंसी फिफ्टी किलो हर्ट्स है तो ये किस तरह कैरियर सिग्नल जो होगा वो कैसा होगा वो हाई फ्रीक्वेंसी का होगा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल का कैसा होता है इस तरह से वेव होता है फालू में कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल का वेव जो होता है वे हम मतलब जब हम लोग सिम्बॉलिक डायग्राम्स का ड्रा करके दिखाते हैं तो वो क्या होता है पतला पतला यानी कि आप जितना ज़्यादा ये क्या होगा ये जो क्रिस्ट और ट्रफ जो है जितना कम इसका टाइम पीरियड होगा उतना फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा तो देखिए ये टाइम पीरियड कम दिखाई दे रहा है तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा हाई हो जाएगा ये कैरियर फ्रीक्वेंसी हो गया ठीक है यानी कैरियर सिग्नल का वेव हो गया और ये आपका क्या है मॉडुलेटिंग फ्रीक्वेंसी का वेव है इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो इसी को इसमें एफ में क्या किया जाता है एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ मिक्स करके ट्रांसमिट किया जाता है जबकि ए में क्या होता है एक मतलब एक एम्पलीट्यूड सिग्नल को यानी एक सिंपली मॉडुलेटिंग सिग्नल को एक कैरियर वेव के ऊपर लोड करके ट्रांसमिट किया जाता है सिंपली ओके तो यहां पे जो होता है आपका मॉडुलेटेड वेव का एम्पलीट्यूड जो होता है वो बढ़ जाता है जबकि एफ में क्या होता है आपका मॉडुलेटेड वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है मैं वो, वो क्या होता है आपका एम्पलीट्यूड नहीं बढ़ता है बल्कि फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है चेंज हो जाता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है पहले जो फ्रीक्वेंसी रहता है उसको हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ जब मिक्स किया जाता है तो रिजल्टेंट मॉड्युलेटेड वेव जो होता है उसका फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ जाता है ओके okay. इसीलिए इसका नाम एफ होता है उसका नाम ए एम होता है तो हम ये बात अभी डिटेल में ज्यादा हालांकि कम्युनिकेशन सिस्टम अगर एक्सप्लेन करें तो काफी डिटेल में एक एक स्टेप को समझाया जा सकता है लेकिन मुझे यहाँ पे बेसिकली ब्लॉक डायग्राम ही समझाना है तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको जो बेसिक आइडिया है वो दे दूं ताकि आप आगे जब पढ़ें तो आपको कुछ कुछ समझ में आने लगे कि हाँ ये चीज मैंने पढ़ा था तो देखिए एफ ट्रांसमीटर और ए एम ट्रांसमीटर में मेनली क्या डिफरेंस है तो वहां पर भी हम लोगों ने देखा था देखिए माइक्रोफोन क्या होता है एक ट्रांसड्यूसर की तरह काम करता है मालूम है माइक्रोफोन क्या होता है

जो कि किसके रेंज में होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी के रेंज में होता है जबकि ए सिग्नल का फ्रीक्वेंसी बहुत हाई नहीं होता है okay, ओके याद रखिएगा चीज तो यहाँ पे जो एम्पलीफायर यूज किया था वो क्या होता है आर एफ एम्पलीफायर को हम लोग यूज करते हैं ओके okay, इसका भी काम सेम उसी तरह से है लेकिन आर एफ एम्पलीफायर का और क्या क्या काम है हम आगे चल के अभी बताएंगे आपको कि आर एफ एम्पलीफायर में सेलेक्टिविटी सेंसिटिविटी और सिग्नल टू नॉइज नोएज रेशियो को इन सिग्नल टू नॉइज रेशियो को इंक्रीज करने का ये फंक्शन परफॉर्म होता है इस ब्लॉक के अंदर तो कैसे होता है ये सारा चीज सेलेक्टिविटी क्या होता है सेंसिटिविटी क्या होता है ये सारे को हम लोग अभी बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे तो ये सिंपल आपको अगर पूछा जाए कि बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ एफएम ट्रांसमीटर या एम ट्रांसमीटर तो आपको सेम ब्लॉक डायग्राम ही ड्रा करना एफ एम में भी ए में भी लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे पावर एम्पलीफायर की दर ड्रा कीजिएगा आर एफ एम्प्लीफायर को और यहाँ पे आप दिखा सकते हैं ये माइक्रोफोन को एफएम के फॉर्म में कि जो भी आपका ऑडियो सिग्नल यहाँ पे रिसीव होगा उसको माइक्रोफोन क्या करेगा कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी वॉइस सिग्नल जो भी आएगा उसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ओके okay, ये दिखा सकते हैं नहीं भी दिखाएंगे तो यहाँ ट्रांसड्यूसर करके दिखा सकते हैं ओके okay, तो ट्रांसमीटर का जो ब्लॉक डायग्राम है एम या एफ एम ऑलमोस्ट सेम है ठीक है थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो आपको मैंने बता दिया कि क्या बेसिक डिफरेंस है लेकिन फंक्शन दोनों का सेम है कि कैसे फंक्शन करता है ठीक है ओके okay, तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे ऑलरेडी कि कैसे कैसे मतलब एक्सप्लेनेशन उसी के ब्लॉक का जो सेम ए एम की तरह ही है चलिए हम लोग चलते हैं रिसीवर सेक्शन में रिसीवर सेक्शन के ब्लॉक डायग्राम में और ट्रांसमीटर सेक्शन के ब्लॉक डायग्राम में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यानी ये दोनों क्या होता है एकदम अलग होता है आपका ट्रांसमीटर सेक्शन में क्या देखा हम लोग कि जो भी सिग्नल आपका ट्रांसमीटर से निकल के आ रहा था वो क्या यहाँ ट्रांसमीटर से जो आ रहा था यहाँ पे देखे थे हम लोग कि ये वाला जो एंटीना से निकल के सिग्नल आ रहा था अब ये क्या होगा एयर से होते हुए कहाँ ट्रांस कहाँ जाएगा रिसीवर की तरफ तो रिसीवर की तरफ पास जब पहुंचेगा ये तो यहां पे रिसीवर का एंटीना लगा होता है बेसिकली। रिसीवर का एंटीना क्या करेगा? इस सिग्नल को रिसीव करेगा okay. रिसीव करने के बाद यह भेजेगा रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्यून है बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्यून सेक्शन ट्यून सेक्शन क्या है tune section. Tune section क्या? अभी से पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ट्यून एम्पलीफायर के बारे में ट्यून एम्पलीफायर जिसने बताया था दो तरह का ट्यून एम्पलीफायर को बताया था मैंने के सिंगल स्टेज और डबल स्टेज ट्यून एम्पलीफायर तो सिंगल स्टेज वाले में दिखाया था कि एक टैंक सर्किट होता है जो कैसा होता है एलसी टैंक सर्किट होता है एलसी टैंक सर्किट होता है जिसमें हम कैपेसिटेंस को वैरी करते हैं और कैपेसिटेंस को वैरी करने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी जो हमको रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी पर हमको आप एम्पलीफायर को ऑपरेट करना होता है वो फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करते हैं इस कैपेसिटेंस के वैल्यू को बदल के कैसे मालूम है कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जो होता है वन बाई टू पाई रूट एल सी होता है पता है ठीक है यहाँ अगर हम लोग कैपेसिटेंस को घटाएंगे तो क्या होगा फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली बढ़ेगा और अगर हम लोग कैपेसिटेंस को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा घटेगा तो हम कैपेसिटेंस को चेंज करके क्या कर सकते हैं इस ट्यून सर्किट के क्या है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं ठीक है थेके? मतलब हम क्या करते हैं यहाँ पे एक ट्यून सर्किट लगा रहता है जो ट्यून सर्किट से क्या करते हैं इसके कैपेसिटेंस के वैल्यू को यानी ट्यून सर्किट के कैपेसिटेंस के वैल्यू को चेंज करते हैं और यहां पे हमको वही सिग्नल रिसीव करते हैं हम जिसका रिक्वायरमेंट होता है जैसे आपका अगर ये एम रिसीवर है तो यहां पे एम सिग्नल का कैरियर फ्रिक्वेंसी का सॉरी ए एम सिग्नल का बैंडविथ कहां से कहां होता है तो एम सिग्नल का बैंडविथ होता है पांच किलो हर्ट से लेकर पांच ही रखते हैं ऐसे ऑलमोस्ट रहता है पांच किलो हर्ट से लेकर सोलह किलो हट्स के बीच में रहता है ओके ये आपका एम सिग्नल का बैंडविथ है ठीक है तो ये एम सिग्नल जब यहाँ पे रिसीवर में रिसीव होता है तो ये ट्यून एम्पलीफायर का काम ये होता है कि अगर कोई भी सिग्नल यहाँ से आ रहा है तो उसका अगर फ्रीक्वेंसी रेंज चेंज करना है कि इस इन दोनों रेंज के बीच में है कि नहीं अगर इससे छोटा है तो रिजेक्ट कर देगा यानी इससे छोटा है तो उसको ये क्या करेगा रिजेक्ट कर देगा उस सिग्नल को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा और अगर इससे सोलह से बड़ा हो गया तब भी इसको रिजेक्ट करना यानी ये प्रॉपर बैंडविथ एक मिल गया कि इस बैंडविथ का अगर फ्रीक्वेंसी है जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है बहुत सारा आएगा क्योंकि इन्वायरमेंट में आपका क्या होता है चैनल में बहुत सारा नॉइज होता है और नॉइज में क्या होता? होता है हर तरह का सिग्नल होता है हर तरह के फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है तो ये एम रिसीवर में एंटीना का सबसे पहला काम क्या है कि जब ये रिसीव करता है सिग्नल तो इसी बैंडविथ के सिग्नल को रिसीव करना है ट्यून एम्पलीफायर क्या करता है यहाँ पे सेलेक्ट करता है किसको सेलेक्ट करता है जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज 540 सौ किलो हट से लेकर 1650 सौ किलो हट्स के बीच में है उसी फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ये रिसीव करता है बाकी को क्या करता है ये रिजेक्ट कर देता है ओके okay? उसके मतलब इस ट्यून एम्पलीफायर के इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सेलेक्टिविटी ट्यून एम्पलीफायर के इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सेलेक्टिविटी कौन सा प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के कारण ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी एक फिक्स रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करता है जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इसको रिक्वायर्ड है उसी सिग्नल को ये क्या करता है सेलेक्ट करता है बाकी को रिजेक्ट कर देता है तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज सेलेक्टिविटी तो ये कह सकते हैं इट इज द प्रॉपर्टी और एबिलिटी ऑफ द ट्यून्ड रिसीवर सेक्शन या फिर कह सकते हैं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रिसीवर थ्रू विच इट सेलेक्ट द रिक्वायर्ड सिग्नल ये क्या करता है रिक्वायर्ड सिग्नल को सेलेक्ट करता है एंड रिजेक्ट द अनवांटेड फ्रीक्वेंसी सिग्नल और रिजेक्ट कर देता है अनवान्टेड जो नहीं चाहिए यानी इसके बाहर का जो रेंज होगा उसको रिजेक्ट कर देगा और जो इसके अंदर का रेंज होगा यानी इसके बीच का होगा उसको वो सेलेक्ट कर देगा इस प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसका डिफिनेशन जाके आपको लिख दिया यहाँ पे देखिए सेलेक्टिविटी सिग्नलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को ये सेलेक्ट करता है रिजेक्टिंग अदर यानी बाकी अदर को क्या करता है रिजेक्ट कर देता है तो इस प्रॉपर्टी को रिसीवर के इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सेलेक्टिविटी जो कहाँ से मिलता है हम लोगों को जो मिलता है हम लोगों को आर एफ ट्यून सेक्शन से ठीक है यानी आर एफ ट्यून ब्लॉक जो होता है उस ब्लॉक में ये प्रॉपर्टीज

सेलेक्ट करता है यानी उसी रेंज के फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्नल को सिलेक्ट करेगा जिसमें आपका एम का डिफाइन यानी 540 किलो हर्ट से लेकर 1650 किलो हर्ड्स इसी रेंज को ये सेलेक्ट करेगा इसके बाहर या मतलब इससे पहले ना इसके बाद तो ये पार्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करता है और बाकी सबको रिजेक्ट कर देता है इसको कहता है सेलेक्टिविटी सेंसिटिविटी क्या होता है कि ये भी एक रिसीवर का प्रॉपर्टी ही है ये प्रॉपर्टी क्या बताता है कि अगर कोई सिग्नल यानी इस रेंज में फ्रिक मान लीजिए कोई सिग्नल जो आ रहा है यहाँ पे आपका रिसीव सिग्नल जो आ रहा है वो सारे का रेंज इतना ही है मान लीजिए सबका रेंज इतना ही है लेकिन उसमें कोई सिग्नल क्या होगा एम्प्लीफाइड सिग्नल होगा यानी एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा किसी का एम्पलीट्यूड क्या होगा कम होगा यानी कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा कोई वीक सिग्नल होगा तो अगर कोई वीक सिग्नल आए अगर कोई वीक सिग्नल यहाँ पे आया है तो आर एफ ट्यून एम्पलीफायर का का काम ये है कि इस वीक सिग्नल को भी आइडेंटिफाई कर लिया जाए ना कि इसको छोड़ दिया जाए जो वीक सिग्नल यानी थ्री वैल्यू से अगर कम सिंपली अगर मान लीजिए कोई सिग्नल आ रहा है जिसमें मैंने फिट कर रखा है कि आपका एम्पलीट्यूड जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए फाइव वोल्ट आना चाहिए सपोज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो फाइव वोल्ट रिसीव होना चाहिए लेकिन मिनिमम कितना रिसीव होना चाहिए मिनिमम रखा हुआ है कि जीरो पॉइंट फाइव वोल्ट रिसीव होना चाहिए तो अगर कोई सिग्नल आ रहा है जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज इसके बीच में है फ्रीक्वेंसी रेंज इसके बीच में है और एम्प्लीट्यूड बहुत कम है तब भी वो रिसीव होगा लेकिन अगर इससे भी कम एम्प्लीट्यूड है

हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे जो सिग्नल आपका रिसीव हुआ है उस इनपुट सिग्नल का क्या है एम्पलीट्यूड कम है यानी मिनिमम सोल्ड वैल्यू से कम है तो ये आर एफ ट्यून सेंशन क्या करेगा उसको क्या कर देगा फिर से एम्पलीफाई करेगा यानी वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा और एम्पलीफाई करने के बाद क्या करेगा आगे फॉरवर्ड करेगा तो ये इसके पास दो प्रॉपर्टीज है यानी रिसीवर के अंदर दो प्रॉपर्टीज होना चाहिए कौन कौन सा प्रॉपर्टीज एक सेलेक्टिविटी का प्रॉपर्टीज होना चाहिए कि कोई भी सिग्नल अगर इसके पास रिसीव हो रहा है तो चेक करेगा कि उसका फ्रीक्वेंसी रेंज जो डिजायर्ड है वो है या नहीं रिक्वायर्ड सिग्नल के फ्रीक्वेंसी रेंज में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर नहीं आ रहा है तो उसको रिजेक्ट कर देगा और अगर आ रहा है तो उसको सेलेक्ट कर लेगा इस प्रॉपर्टी को कहता है सेलेक्टिविटी सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि मिनिमम थ्रिसोल्ड वैल्यू का अगर कोई भी सिग्नल आ रहा है तो उसको उसको क्या करना है सेंस करना है और सेंस करने के क्या करना है सेलेक्ट कर लेना है सेंसिटिविटी जो है यानी कहने का मतलब है मिनिमम इनपुट सिग्नल को भी सेंस कर ले ये प्रॉपर्टी क्या कहलाता है कि मिनिमम इनपुट सिग्नल यानी क्या है आपका अगर जो इनपुट सिग्नल रिसीव हो रहा है उसका थ्रेशोल्ड वैल्यू अगर बहुत कम भी है लेकिन वो सिलेक्टिविटी यानी उसके रेंज में यानी फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल के जो रेंज है आपका ए एम सिग्नल का 550, 540 से लेकर 1650 सौ पचास किलोहट्स के बीच में अगर उसके बीच में आ रहा है तो वो क्या करेगा उसको सेंस करेगा और सेंस करके फिर से एम्पलीफाई करेगा क्या करना का काम होता है इसका सेंस करना सेंस करके उस सिग्नल को वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करना तो इन दो ये दो प्रॉपर्टीज कहाँ होता है आरएफ ट्यून सेक्शन के अंदर होता है यहाँ पे क्या करता है ट्यून सेक्शन ये दो काम करता है उसके बाद कहाँ करता है इस सिग्नल को जो भी सिग्नल रिसीव वो उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है ये कहाँ पहुँचता है आर एफ आई में पहुँचता है ठीक है ये आर एफ आई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इसका हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखेंगे जब हम लोग सुपर हेट्रोड्राइन रिसीवर पढ़ेंगे तो वहां पे यार डिटेल में मुझे इसको बताना था लेकिन चलिए मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा एक्सप्लेन देता हूँ कि देखिए इसके अंदर क्या होता है एक ब्लॉक अलग से कनेक्ट होता है जिसको नाम होता है मिक्सर ठीक है मिक्सर इसके अंदर होता है ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ मिक्सर इसके अंदर होता है और ये बाहर से एक ब्लॉक से कनेक्ट होता है जिसको कहते हैं हम लोग ऑसिलेटर ठीक है आर एफ ऑसिलेटर आर एफ ऑसिलेटर का ब्लॉक होता है इसका काम इसका काम क्या होता है कि ये जो टैंक सर्किट यहां पे है जो इसको ट्यून कर रहा है और इसको भी ट्यून कर रहा है यहां पे एक टैंक सर्किट लगा होता है ठीक है ये टैंक सर्किट जो मैंने कहा कि ऑलरेडी एल और सी यानी इंडक्टर और कैपेसिटर से मिलकर बना होता है जिसमें ट्यूनिंग कैसे होता है कैपेसिटेंस को वेरी करके तो ये टैंक सर्किट का जो आउटपुट यहां कनेक्ट है वैसे ही इसी इसी हिसाब से यहाँ पे ऑसिलेटर में भी ये टैंक सर्किट का आउटपुट कनेक्ट रहता है इन दोनों का काम क्या होता है कि सिंपली जो भी फ्रीक्वेंसी रेंज यहां पे आया ठीक है कौन सा फ्रीक्वेंसी रेंज यहाँ पे रिसीव होगा पांच सौ पचास से लेके सोलह सौ पचास के बीच में ठीक है यानी 540 से लेकर 1650 सौ पचास के बीच में जो सिग्नल रिसीव होगा सपोज मान लीजिए आपने रिसीव किया सिग्नल कितना रिसीव किया 1100 सौ किलो हट्स का सपोज ठीक है यह फ्रीक्वेंसी क्या आया कहां आया एफ एम यहाँ पे जो रिसीव हुआ वो सिग्नल का फ्रीक्वेंसी क्या है ग्यारह सौ किलो हट से तो ये इन दोनों के बीच में आ रहा है पांच से लेकर सोलह के बीच में आ रहा है ना तो हां आ रहा है ठीक है तो अब ये सिलेक्ट हो जाएगा ये सिग्नल यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा सेलेक्ट होने के बाद क्या होगा ये लोकल ऑसिलेटर जो लगा हुआ है अब ये क्या करेगा कैरियर फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेगा तो कैरियर फ्रीक्वेंसी को जो ये जनरेट कर रहा है वो इस के अकॉर्डिंग जनरेट करता है कि इन दोनों का, इन दोनों दोनों का का आई एफ सिग्नल को जनरेट कर दे सिग्नल सिग्नल क्या होता है कहते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सिग्नल ये कितना होता है एम के लिए होता है ये चार सौ पचपन किलो हर्ट याद रखेगा एम सिग्नल के लिए आई एफ सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कितना होता है चार सौ पचपन किलो हर्ट होता है तो आपका ये जो आपका ऑसिलेटर है ऑलरेडी ये क्या करेगा इन दोनों को अब इस तरह से मतलब यहां पे इसको इस तरह से आपको फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेगा जैसे किस तरह से इसमें जोड़ दीजिए 455 455 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा पांच पांच ठीक है पाँच पंद्रह सो पचपन ओके तो पंद्रह सौ पचपन किलो हट्स का फ्रीक्वेंसी इसको जनरेट करना है ये ऑसिलेटर क्या करेगा इस तरह से ट्यून होगा कि पंद्रह सो पचपन किलो हट्स का फ्रीक्वेंसी इसके अंदर से जनरेट होगा ठीक है और ये दोनों आगे कहा मिलेगा यहां आके मिलेगा यानी पंद्रह का फ्रीक्वेंसी यहां से आएगा सिग्नल का और यहां से क्या आएगा आपका ग्यारह सो किलोअ का आएगा और ये दोनों आगे क्या होगा आर एफ आई एफ कन्वर्टर में मिक्स हो जाएगा मिक्स होगा तो किस तरह से मिक्स होगा इसको कहते हैं ऑस्लेटर फ्रीक्वेंसी जो निकल के आया एफ एल जहा इंडिकेट किया था है फ्रीक्वेंसी को एफ एल माइनस एफ एम ठीक है ये क्या देगा आपको आई एफ यानी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होता है कि एफ एल जो लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी जो जनरेट हो रहा वो माइनस आपका जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल यहाँ रिसीव हुआ एफ एम इन दोनों को घटाने के बाद कितना आना चाहिए चार सौ पचपन आना चाहिए जो कि आपका इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है अब ये जो फ्रीक्वेंसी यहां पे रिसीव हुआ जिसका वैल्यू कितना चार सौ पचपन किलो हट्स इसको कहते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी आई एफ आई एफ सिग्नल इस आई एफ सिग्नल को क्या कहता है ये फिल्टर में आई एफ फिल्टर ब्लॉक से पास किया जाता है जिसको कहते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी फिल्टर ब्लॉक यहाँ पे क्या होता है इस फ्रीक्वेंसी सिग्नल में अगर मान लीजिए कोई नॉइज है मतलब इस सिग्नल में जो रिसीव हुआ है यहाँ पे उसमें कोई नॉइज है अनवांटेड सिग्नल है तो ये क्या करेगा एफ फिल्टर उसको फिल्टर आउट कर देगा और प्योर सिग्नल को आगे भेजेगा जिसके कारण यहाँ पे सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो है वो बढ़ जाएगा जब आप नॉइज कम कर दीजिएगा तो ऑब्वियसली सिग्नल का वैल्यू क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो क्या है एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है यानी कि एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं सिग्नल टू नॉइज रेशियो ये हमेशा क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए यानी सिग्नल का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए नॉइस का वैल्यू कम होना चाहिए अगर सिग्नल का वैल्यू ज्यादा कम हो जाए और नॉइस का वैल्यू ज्यादा हो जाए तो आपका वो सिग्नल क्या हो जाएगा बेकार हो जाएगा सुना ही नहीं देगा आपको सिर्फ नॉइज ही नॉइस रहेगा तो से हमेशा ये सिग्नल टू नॉइज टूनवाइज क्या होना चाहिए हाई होना चाहिए यानी सिग्नल के वैल्यू को ज्यादा होना चाहिए इसी के लिए हम लोग फिल्टर यूज करते हैं ओके अब ये जो सिग्नल आया आपका सिग्नल टू नॉइज यानी सिग्नल हाई होने के बाद जो प्योर सिग्नल आया उसको क्या कहते हैं डी मोडूलेट करता है क्योंकि वो डी मोडलेट करेंगे तभी तो हम उसको क्या करेंगे कैरियर सिग्नल को अलग कर पाएंगे मॉडुलेशन में क्या होता है एफ एम में मॉडुलेटर मॉडुलेशन में क्या होता है एफ एम में कैरियर सिग्नल आके मिक्स होता है तो इस कैरियर सिग्नल को हटाएंगे तभी तो हमको एफ एम मॉडुलेटिंग सिग्नल मिलेगा ओरिजिनल तो डी मॉडुलेटर का काम क्या होता है इसको यानी कैरियर सिग्नल को अलग करना यानी जो मॉडुलेटेड सिग्नल आया है इन दोनों को मिक्स होने के बाद इसमें से कैरियर सिग्नल को अलग कर देना तो अब कैरियर सिग्नल यहाँ पे क्या हो जाएगा हट जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा कैरियर सिग्नल को हटा दिया जाता है हटाने के बाद यहाँ जो पहुंचेगा वो क्या हो जाएगा आपका मॉडुलेटिंग सिग्नल ओरिजिनल सिग्नल एफ एम पहुँचेगा ये सिग्नल अगर मान लीजिए वीक है क्योंकि इतना सारे प्रोसेस होने के बाद ये पहुंच रहा है यहां तो जाहिर सी बात है चैनल से होते हुए जब सिग्नल पहुंचता है तो वह स्ट्रेंथ क्या होता है घट जाता है तो ये क्या करेगा ऑडियो एम्पलीफायर को फिर से एम्पलीफाई कर देगा एम्पलीफाई करने के बाद किसको भेज देगा स्पीकर को स्पीकर का, का काम क्या होता है कि ये जो ऑडियो सिग्नल है ये किस फॉर्म में इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में अब इसको क्या करेगा वापस वॉइस में कन्वर्ट करना होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां तक पहुंच गया ओके अब इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस आपको क्या इलेक्ट्रिकल सिग्नल आप सुन पाएंगे नहीं सुन पाएंगे तो उसको वॉइस में कौन कन्वर्ट करता है तो ये लाउड स्पीकर उसको वॉइस में वापस कन्वर्ट कर देता है ओके तो आई होप आपको ये ब्लॉक डायग्राम अच्छे से समझ में आया हो कि इसमें रिसीवर में कैसे कैसे रिसीवर ब्लॉक काम करता है और कैसे फाइनली हमको कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो एंटीना के थ्रू यानी इलेक्ट्रोमैगेटिव वेव के वेव के फॉर्म में एंटीना के थ्रू रिसीव होता है और फाइनली फिर उसको वॉइस में हम कैसे सुन पाते हैं यानी जब मोबाइल में आप बात करते हैं तो आपका मोबाइल क्या करता है ई एम वेव को रिसीव करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद आपके कान में क्या पहुंचता है तो आपके कान में पहुंचता है आपके दोस्त का आवाज़ तो जब वो आवाज आपके कान में पहुंच रहा है तो वो कन्वर्जन कैसे होता है वो कन्वर्जन इस पूरे ब्लॉक के थ्रू होता है यानी आपके मोबाइल के अंदर एक रिसीवर सेक्शन लगाया हुआ है ठीक है रिसीवर लगाया हुआ है पूरा रिसीवर में ये पूरा ब्लॉक है जो आपके वॉइस को कन्वर्ट करता है वापस किसमें सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आपके वॉइस में फिर से कन्वर्ट कर देता है और आपके कान में सुनाई देता है रिसीवर से आप सोचते होंगे मोबाइल से बात करते हैं फटाखते काम हो जाता है इसके लिए हर चीज के लिए उसमें एक चिप लगा हुआ है तो रिसीवर के लिए एक अलग से चिप लगा हुआ है जिसमें ये सारा फंक्शन परफॉर्म होता है उसके बाद आपको कोई चीज सुनाई देता है ओके आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सिंपली इसी तरह से क्या होता है मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे अब इसी तरह से क्या होता है आपका एफ रिसीवर भी होता है एफ रिसीवर और जब भी मैंने ए एम पढ़ा दिया मतलब एफ भी उसी तरह का होता है सेम लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है बेसिक डिफरेंस देखिए जैसे ए एम और एफ रिसीवर में क्या फर्क होता है एक फर्क होता है वो ये है कहा गया Limiter, लिमिटर लिमिटर लगाता है जिसको कहते हैं एम्पीट्यूड मॉडल लिमिटर एक सेकंड देखिए आई एफ एम्पलीफायर हो गया एफ एम एफ ओके पावर एम्पलीफायर यहाँ पे एक ब्लॉक अलग से लगा रहा था देखिए मैंने यहां पे किया है कि जिसका नाम होता है क्या एम्पलीट्यूड लिमिटर ओके जिसका नाम होता है एम्पलीट्यूड लिमिटर इसका काम क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका जो भी सिग्नल रिसीव हो रहा है सपोज यानी जो भी सिग्नल यहाँ पे एफ एम डी के थ्रू डी होने के बाद क्या होगा यहाँ से कैरियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल हट जाएगा और हटने के बाद जब यहां पे पहुंचेगा तो मान लीजिए इस सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो सबको क्या होना चाहिए होना होना चाहिए चाहिए में में क्या फ्रीक्वेंसी सिग्नल सिग्नल का जो होता होता है वो होता है वो हमेशा लेकिन एम में क्या होता है ये कॉन्स्टेंट नहीं होता है ये क्या होता है इस फॉर्म में होता है ठीक है एम अम। में अम। एम्पलीट्यूड क्या होता है एम्पलीट्यूड मॉडिफाई होता है एम्प्लीटूड मोडिलेट होता है तो इस तरह से एम चलता है एम ऐसे चलता है ठीक है एक सेकेंड ये कुछ प्रॉब्लम आ रहा है मैं भी ये एम इस फॉर्म में चलता है ठीक है जबकि एफ कैसा होता है इस सारे का एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट होता है तो अगर मान लीजिए यहां पे जो एफ एम डीमोडलेटर से डिमोडलेटर होने के बाद जो सिग्नल आया उसका एम्पलीट्यूड अगर मान लीजिए किसी का बढ़ गया सपोज इसका इतना होना चाहिए था ये बढ़ गया सपोज ठीक है और फिर अगला क्या है फिर से तो ठीक है और फिर कोई बढ़ गया सपोज इस तरह से तो ये जो है इतना सिग्नल जो ऊपर में क्या है अनवांटेड सिग्नल है ये नॉइज होता है एफ में क्या होना चाहिए ऑरिजिनल एफ सिग्नल जो होता है वो सारे का एम्पलीट्यूड क्या होता है फिक्स होता है कॉन्स्टेंट होता है लेकिन अगर अलग से एम्पलीट्यूड जब रिसीव हुआ है वो बढ़ा हुआ है तो ये अनवांटेड सिग्नल क्या है ये नॉइज है यहाँ पे तो आपका एम्पलीट्यूड लिमिटर का काम होता है ये जो अनवांटेड सिग्नल है इसको क्या कर देता है कट करके हटा देता है एम्पलीट्यूड लिमिटर जो लगा रहता है उसका काम क्या होता है इसको कट करके हटा देता है और ये जब कट करके हट जाता है तो आपको क्या हो जाता है जो ओरिजिनल सिग्नल अब जो रिसीव होता है उसका क्या होता है सबका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा इस तरह से कॉन्टेंट हो जाएगा तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो हम लोगों को ओरिजिनल वॉइस सिग्नल मिलने लगेगा तो देखिए यही चीज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एफ एम वी नो दैट एफ एम मॉडुलेशन ऑफ द एफ एम वेब रिमेन्सेंट यानी एफ एम में क्या होना चाहिए कि सारे सिग्नल का एम्पीट्यूड होना चाहिए वो होना चाहिए अगर कोई अगर इफ साम नॉइज इज एडेड विद द वेव इन द चैनल कह रहा है अगर कोई मान लीजिए नॉइज एड हो जाता है चैनल के थ्रू एफ एम वेब में तो क्या होता है ड्यू दैट एम्प्टीट्यूड ऑफ द एम वेव मे वैरी कह रहा है कि अगर कोई नॉइज एड हो जाता है तो एम्प्टीट्यूड क्या होता है चेंज कर जाता है बढ़ जाता है घट जाता है तो उसको हम लोगों क्या करना है फिर से बराबर करना है तो तो दस हेल्प ऑफ एम्पलीट्यूडीन ठीक है, तो ये क्या करता है या घट गया अलग से चेंजेस हो गया तो उसको फिर से कन्वर्ट कर देता है? है ओके तो एफ रिसीवर में ये एक अलग से फंक्शन होता है जिसका नाम है एम्पलीट्यूड लिमिटर जबकि आपका एम में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ए एम में क्या होता है एम्पलीट्यूड ही मॉडिफाई होता है एम्पलीट्यूड जब मॉडिफाई होता है मतलब कहने का मतलब क्या है सारे का एम्प्लीटूड अलग अलग होता है यानी जब सिग्नल ओरिजिनल सिग्नल तो आपका क्या होता है सिंपली ओरिजिनल सिग्नल इस तरह से होता है ये सिग्नल सॉरी ये सिग्नल ओरिजिनल लेकिन जो कैरियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल है जब ये मिक्स हो जाता है जो वो ट्रांसमिट कैसे होता है इस फॉर्म में यानी एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा घटता जाएगा इस फॉर्म में ठीक है जिसमें क्या होता है आपका ओरिजिनल सिग्नल एम साथ में आपका क्या है ये आपका और सॉरी इसमें क्या होता है एक मॉडुलेटिंग सिग्नल जो ओरिजिनल आपका सिग्नल है साथ में कैरियर सिग्नल मिक्स होकर ट्रांसमिट होता है ओके तो देखिए आज का जो हम लोगों का टॉपिक जो था जिसपे हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया है वो क्या था ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ब्लॉक डायग्राम और दोनों में हम लोगों ने देखा कि ट्रांसमीटर में जब सिग्नल आपको मतलब ट्रांसमिट जो सिग्नल करना होता है वो कौन कौन ब्लॉक से होकर पास करता है और कैसे वो फाइनली एंटीना से होते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट होने के बाद चैनल में चला जा जाता है ओके और फिर चैनल से कौन रिसीव करता है चैनल से रिसीव करता है आपका रिसीवर तो रिसीवर में क्या होता है वही काम होता है एंटीना से फिर क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिसीव होता है रिसीव होने के बाद फिर कन्वर्जन होता है कन्वर्ट होने के बाद फाइनली आपको काम होता है लाउड स्पीकर जो लो लो हम लोग को यहाँ से ऑडियो सिग्नल हम लोग सुन पाते हैं तो ये सारा प्रोसेस जो हम लोग अभी देखा वो सारे ट्रांसमीटर और सारे टाइप के रिसीवर में होता है लेकिन एक अलग टाइप का रिसीवर को हम लोगों को स्टडी करना है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे जिसका नाम है सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसीवर है ठीक है जो अभी तक हम लोग जो रिसीवर पढ़ रहे थे उसका नाम था टीआरएफ रिसीवर रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर के बारे में इसके बारे में अलग से आपको एग्जाम में लिखने के लिए आता है कि एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर ठीक है उसके अलावा क्या आता है जब भी आप बनाएंगे मालिक शीट बनाए या कहीं भी तो इसको बनाएंगे तो यह क्या एक अलग वेटेज रखता है तो यह इंपॉर्टेंट रिसीवर है इसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर